जी हाँ, सुपरफास्ट संवाददाता मोहम्मद चांद अंसारी दोस्त के साथ अपनी कार में सवार होकर नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे, तभी वहां देखा कि एक मासूम बच्चा एक विक्षिप्त व्यक्ति के पास बैठा हुआ है, अपने हाथ से खाना खिला रहा था, जिसको देखकर हाईवे से निकलने वाले लोगों को हैरानी महसूस हो रही थी। बच्चा अंधेरे में इस विक्षिप्त के पास क्यों बैठा है और क्या कर रहा है? कहीं यह बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा? यह देखकर लोग कार से उतरकर इस मासूम बच्चे के पास गए और मासूम बच्चे से बात की, बेटा क्या नाम है, किसके बेटे हो और कहाँ रहते हो? बच्चे ने अपना नाम युवराज बताया और खुद को गजरोला नगर के शुल्कपुरी के रहने वाले राजेश शुक्ला का पुत्र बताया, जिसे देखकर राहगीर हैरान रह गए। इस मासूम के दिल और दिमाग में एक विक्षिप्त के लिए ऐसी क्या बात आई कि एक अनजान विक्षिप्त को खाना खिला रहा था और खुद को विक्षिप्त का दोस्त बता रहा है। छात्र ने बताया कि वह हर रोज अपनी माँ से खाना बनवाता है और विक्षिप्त को खाना खिलाता है। मासूम बच्चे ने यह भी बताया कि वह हर रोज स्कूल जाता है तो उसको बैठे देखता है और इसे देखकर बच्चे के दिल में दयालुता की भावना जागरूक हो गई। बच्चे का कहना है कि इससे पहले यह कंकर पत्थर भी खा लेता था। बच्चे ने अपने घर पहुंच अपनी माँ से इस बारे में बताया, जिसके बाद बच्चा रोज खाना लाता और उसको खिलाता है। मासूम बच्चा विक्षिप्त को अपना दोस्त भी बता रहा है। बच्चे का कहना है कि वह लगभग 20 रोज से इसी तरह विक्षिप्त व्यक्ति को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। रहने वाले बेटा? मैं शुक्लपुरी का रहने वाला हूँ। शुक्लपुरी का? हाँ। किन के लड़के हो बेटा? मैं डॉक्टर राजीव शुक्ला जी का पुत्र हूँ। अच्छा, राजीव शुक्ला जी के पुत्र हो आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप 15 दिन से आपने कब देखा इनको? मैं जब भी अपने रोज स्कूल जाता हूँ, मैं इसे रोज देखता हूँ। तो बेटा, आप जो इनको खाना खिलाते हो, ऐसे क्यों खिलाते हो इनको खाना? जैसा कि मैं खाना खाता। आपको बता दें कि यह देखकर वहां खड़े लोगों में तरह तरह की भावना जाग रही थी। बहरहाल, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे एक बार फिर अच्छे संस्कारों की झलक सामने आई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार का दौर स्टार प्रचारकों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज जबलपुर पहुंची, जहां वो भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से आम सभा के द्वारा वोट मांगेगी। जबलपुर